बहुत जल्द ही असेंबली के चुनाव होंगे तो पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन हम जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, जो आज हमने मीटिंग रखी हुई है, जिस विषय को, जिस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, वो है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हैं और अपने प्रमुख कार्यकर्ता वर्कर्स जो हैं जो कश्मीर में रहते हैं, उनके साथ बैठा जाए, उनसे यानी कि विचार किया जाए, डिस्कशन की जाए, ताकि मूलभूत अगर देखा जाए तो यही तो है लोग हैं जो लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग इनके पास आते हैं काम करवाने के लिए। ये जितने मजबूत होंगे, जितने ये शक्तिशाली होंगे, उतना ही पार्टी को फायदा मिलेगा। तो इसलिए मेरे जिम्मे लगा था कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सरपंच को लेकर, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन को लेकर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ के मेंबर्स को लेकर, इन तीनों हिस्सों के साथ, सबके साथ बातचीत की जाए और उनको काम पर लगाया जाए, ताकि हम अपना बेस जो है वो बढ़ा सकें और पार्टी को जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, पार्टी और आगे बढ़े और आने वाले चुनावों में हम जहां किस प्रकार जो एक हमने नारा दिया है कि 50 के पार का, वहां तक पहुंचे, ताकि हम अपनी सरकार यहाँ से बना सकें। उसी सिलसिले में हम आज जहां पे आए थे, उसी सिलसिले में उन्हीं लोगों को हमने बुलाया, आज यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है। दो प्रकार के लोग हैं, एक ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन और दूसरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, क्योंकि जहाँ चेयरमैन तो अपना है नहीं, काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, वो आएंगे। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।